हेलो दोस्तों, मैं हूं मीतू और आप देख रहे हैं रिशेप बाई मीतू। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मैक्सिकन टाकोज, वो भी बची हुई रोटी के साथ पे और तवे पर। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और घर पर बचे हुए चीज़ों से बन जाती है। तो इन्हें कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सोया कीमा, जो कि मैंने बनाया था और बच गया था, तो मैं इसी को यूज़ करके बनाऊँगी। साथ में मैंने एक पटेटो को बॉयल करके इसको मैश कर लिया है, थोड़े से पनीर को मैंने मैश कर लिया है, साथ ही मैंने रोस्टेड चने को पीस के ले लिया है। आप यहाँ पर बेसन को थोड़ा सा रोस्ट करके भी ले सकते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बॉल लेंगे, जिसमें मैं सोया कीमा, अपना पनीर, तो आलू और जो हमने चने को पीसा था वो उसमें मिला देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। उससे पहले हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जिससे कि ये सारी सामग्री अच्छे से मिल जाए एक दूसरे में। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके कबाब बनाएंगे, जो हम अपने टाकोज़ में यूज़ करेंगे। तो हम इस तरीके से गोले बनाते बनाते हम इसके कबाब बनाएंगे और सारे कबाब इसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। अगर गाइज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके की हेल्दी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी और साथ में हमारे फिटनेस ब्लॉग भी आते हैं, एक्सरसाइज प्लान भी आते हैं, तो प्लीज़ गाइज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अब हमने सारे कबाब इस तरीके से बना लिए हैं। अब हम एक तवा लेंगे, जिस पर हम सारे कबाब को रख देंगे ग्रीस करके। हम यहाँ पे बटर का या घी का यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास बटर या घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और मीडियम हीट पर हम इसे अच्छे से पकाएंगे और इसको हल्के हल्के प्रेस करके, जिससे कि ये टूटे भी ना और दूसरी साइड से पक जाएँ। जब ये पक जाएँ एक साइड से, हम इनको पलट देंगे और क्रिस्पी होने तक पकाएंगे दोनों साइड में। तो अंदर तो रहेगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे ये। इस तरीके से हम इनको पका लेंगे और बहुत मीडियम हीट पे पकाना है, धीरे धीरे करके, जिससे कि अच्छे से पक जाएं। देखिए ये बिल्कुल क्रिस्प हो चुके हैं। इस तरीके से हमें सारे कबाब्स को पका लेना है। अब हम अपनी रात की बची रोटी या दिन की बची कोई भी रोटी ले सकते हैं। अगर बची हुई रोटी नहीं है तो आप घर में रोटी बना सकते हैं, और ये गेहूं के आटे की रोटी है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अब मैं इस पर वीवा का तंदूरी सॉस जो होता है वो मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। आप वीवा के बहुत सारे फैट फ्री सॉसेज आते हैं, आप उनको ले सकते हैं। ये मैंने होममेड चटनी ली है, ग्रीन चटनी, उसको स्प्रेड कर दिया है और बहुत अच्छे से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। एक साइड में मैंने वीवा का सॉस यूज़ किया है, दूसरी साइड में होममेड चटनी। इसके ऊपर मैंने जो अनियन होता है उसको पतला पतला स्लाइस करके लगा लिया है। अब हम इस पर चिली फ्लेक्स को और ऑरिगेनो को स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल जो टाको होता है उसकी तरह आता है। अब हम इस पर जो हमारे कबाब हैं उनको असेंबल कर देंगे और उसके ऊपर से हम कैप्सिकम को असेंबल करेंगे और टाकोज का। अगर आपके पास कोई सब्ज़ी बच जाती है ऐसे सोया कीमा वगैरह, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर नहीं भी बचती है, लेफ़्ट ओवर रोटी से भी आप इसे बना सकते हैं, आप पनीर और आलू के बना सकते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।